मेरी कमर दुख गई यहाँ पे, कमर दुखनी ना। गूगल एडसेंस का क्या सीन है? अरे इख मछी उख मछी जखमा देख, मार्केट में मिल रही है 60 रुपए किलो। ये है टैब होने का फायदा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो क्या हाल है आप सबके? आशा करते हैं बढ़िया ही होंगे हाल सुबह के। तो अभी सुबह सुबह का समय है, 7 बज रहे हैं और सुबह सुबह ही काम पे लगने वाले हैं हम। कहाँ, मम्मी और पापा तो चले गए खेत में मिर्ची तोड़ने और मैं अब जा रहा हूँ थैला। मैं ज़रा चाय पी रहा था तो बस मैंने कहा मैं भी आता हूँ, मिर्ची तोड़ के लाएंगे खेत से। पापा आया तो शायद एक खेत ये है हमारा आगे और बाकी इससे नीचे है जहाँ परसों आलू के लिए खोदा था ना खेत, वो है। तो पापा तो शायद वहाँ गए हैं, मुझे यहाँ की तोड़नी है। और सूरज देखो इतना आ चुका है, कल रात को तो बारिश आने वाला हो गया था मौसम, रात को इतने तेज़ से बादल कड़क रहे थे ना। चलो चलते हैं हम मिर्ची तोड़ने, अपना सुबह 7 बजे ही लगा लो, तुम तो अभी उठना वाला। अरे यक में चल गया मरता तोड़ना, पुंगड़ा लाल लाल तोड़ेंगे, हरी नहीं तोड़ेंगे। वहाँ से है हमारा खेत तो इसकी मैं तोड़ दूँगा, नीचे वाले खेत की पापा और मम्मी तोड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ बैंगन देखिए, सवेरे सवेरे आपको सब्जी के दर्शन करा दें थोड़ा। तो करते हैं इस ब्लॉग को स्टार्ट, तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मैं मिर्ची तोड़ता हूँ, तब मैं आपसे आगे मिलता हूँ और देखते हैं आज क्या क्या होता है पूरे दिन का, ठीक है? छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे ये हम तुमसे, छुपा छुपाई नजर तो आई ना। अब तुम्हारे आसपास आ रही बारात। आसान नहीं होता गाइस मिर्ची तोड़ना, मेरी कमर दुख गई यहाँ पे, कमर दुखनी ना। और अभी मैं देख लो कितना आया हूँ, वो बैंगन दिख रहे हैं, वो बैंगन है, वहाँ से सिर्फ इतना ही आया हूँ, अभी खेत इतना रह रहा था वहाँ आगे तक। अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये 10 किलो का थैला, ये इतना भरा अभी, इतना देख लो। 7 बजे आया था मैं और अभी समय हो गया 9 बज गए हैं, ठीक 9, और थैला देख लो फुल भर चुका मिर्ची से। ये कम से कम 10 किलो मिर्ची भर दी है मैंने पूरी। अब चलते हैं घर पे, पापा मम्मी उन्होंने तो नाश्ता भी कर लिया। मैंने बोला एक बार ही मैं लग गया इस काम में तो मैं पूरा करके आऊँगा। अब मैं जा रहा हूँ घर, ये सुखा दी यहाँ पे, अब इसके डेंगे कटे जाएंगे बाद में, अभी ऐसी थोड़ा घाम तापने देते इनको। अब मैं जाता हूँ नहाने, करता हूँ मैं नाश्ता। नाश्ते में क्विक देखा दो, भिंडी बनी है, दूध है और रोटी है, तो चलिए नाश्ता करते हैं। जख दिया को मर्चा सुखाई जिन वक् भी मर्चा, ओ वक् भी मर्चा दूर देख वक् अरुणा भी मर्चा ही सुखाया वाला, और मार्केट में मिल रही है 60 रुपए किलो। और ये 2 किलो देख रहे हो यहाँ टंगी हुई है, बिल्कुल 120 रुपए तो ऐसे ही टंगे रहते हैं हमारे घर में। और कद्दू दिखा दिए ना तो तुमने बोलना कि बारे बस जा रहे हैं हम कूड़ीदार। गाइस मस्त हवा चल रही है, मैं थोड़ी देर अंदर बैठा था खाना वगैरह खा के, नाश्ता वगैरह करके। न्यूज़ देखो तो आजकल न्यूज़ में बिल्कुल ही वो चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है, आजकल बहुत बुरा समय आ रहा है। कभी परसों अभी 2-3 दिन पहले अभी तुमने सुना ही होगा उत्तराखंड में सेम डे में 2 हादसे हुए, एक तो कहीं एवलांचे आ गया तो उसमें लोग दब गए और उसमें कुछ आर्मी के भी थे कुछ थे वो भी दब गए, और एक बस गिर गई ये क्या बोलते हैं बीरोखाल साइड। तो पता नहीं क्या हो रहा है, क्या बुनतब, बहुत बुरा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है, कहीं बस गिर रही है। अभी कानपुर की यूपी में कहीं साइड ट्रैक्टर की ट्रॉली थी वो कहीं मंदिर से आ रहे थे, उसमें भी पीछे 50 लोग थे वो गिर गए, उसमें भी मतलब 50% बच्चे भी थे उसमें, 50% उसमें मर गए। बहुत बुरा हो रहा है, बहुत ही बुरा। सो गाइस अभी हो चुका है शाम का समय और शाम को चाय चुई पीने के बाद अभी थोड़ा मौसम सब बनने वाला है। मम्मी जा रही है घास लेने, घास कब कट रहे तुम? अरे पर कम ही कह रहे क्या भाई, दिक्कत कहाँ आ रही, बारिश में ऐसे चद्दर रख देंगे उसके ऊपर पन्नी। अभी घास की कटाई शुरू नहीं हुई है गाइस, तुम्हारे यहाँ क्या घास की कटाई शुरू हो चुकी है? तुम्हारे यहाँ घास कटे हेट बैठ गया कि नहीं कटे बैठ अभी, या कहते नहीं कटे बैठ अभी किले की माँ भुनी की बरखा ही नहीं आनी, अभी बरखा होनी तो बल घास नहीं कटना है अभी। काम नकाज मत थी का मरचा तोड़ी लेकिन मेरी सवेरा और बुनी काम ना का चल। अच्छे खासे मैंने यहाँ पर फूल के पेड़ लगाए थे पर वो सब खराब हो गए टोटल, ये देखो ये भी सूख गया। गुलाब उलाब का तो इधर कोई पता ही नहीं है। अरे इख मछी उख मछी जखमा देख तख मछी सुध बुध नी रहंदी दिन रात की कन छुयाल वे तू बकी बात की। Once more! तो
अभी हूँ मैं गाइस यहाँ भाभी और के घर पे। तो मैं यहाँ तुमको दिखाने लाया हूँ, ये अमरूद का पेड़ है ना यहाँ पे, तो कल इस पे आया था भालू रात को, मतलब रात को आया होगा लगभग 12-1 बजे। तो भैया ने तो देखा था, अभी तो भैया बजा रहे हैं, भैया ने देखा था इस पे भालू कि आया था, तो टॉर्च मारी तब भाग गया था। लेकिन भालू का एक और अवशेष होता है कि तुम्हें पता लगाना हो कि भालू यहाँ आया था या नहीं आया था, तो या तो टहनियाँ तोड़ देता है, कि जैसे एक तो इसका इतना हैवी वेट होता है ना, वो कूदते वक्त ना टहनियाँ तोड़ देता है, कई बार तोड़िया हमारे घर पे जो पेड़ है उसकी भी और इसकी भी कई बार तोड़िया, एक तो वो है और दूसरा है वो हक्के चला जाता है, बड़ा दुष्ट होता है वो। किसी स्टैंड अप कॉमेडियन ने नहीं कहा था, पता नहीं किसका, मेरे को याद नहीं आ रहा, वो कहता कि एक काम कर तू इधर ही हक दे, इधर ही खाया इधर ही हक दे, तो वही काम किया उसने, खाया अमरूद और हक दिया। दिखाऊंगा नहीं तुमको, मैं भी नहीं देखूंगा, बस मैं तुमको ये बताने आया था कि इस पे पेड़ पे आया था कल और आज भी आएगा, क्योंकि इस पे अमरूद है भाई। इस बार अमरूद इतनी बेकदरी से सड़े ना, इतनी बेकदरी से, मैंने तुम्हें दिखाए हुए पहले भी, बहुत बेकदरी हुई है इस बार अमरूदों की, कोई डिजीज़ हो गई उनमें। अगर मैं साइंटिस्ट होता तो मैं डिजीज़ जरूर पता लगाता क्या डिजीज़ थी उनमें। एक ये गाइस यार, मेरे को ना ये एडसेंस का भी समझ में नहीं आता, गूगल एडसेंस का क्या सीन है, एडसेंस का सीन समझ नहीं आता। मैंने मतलब लगभग, मेरे पास स्क्रीनशॉट है देखो यहाँ पे आ रहा होगा, 4 सितंबर को मैंने अप्लाई किया था उसके लिए गूगल एडसेंस। पहले मैं बता दूं आपको क्या है कि जैसे चैनल मोनेटाइजेशन हो जाता है तो गूगल एडसेंस क्या है, यूट्यूब का अपना कोई वॉलेट नहीं होता जिसमें जैसे यूट्यूब से अर्निंग होती है ना, तो उसका वॉलेट नहीं होता, तो वो गूगल एडसेंस के थ्रू जाता है, तो उसका अकाउंट बनता है। तो मैंने उसका अकाउंट बनाया था, तो उसने मेरे को एड्रेस वेरीफिकेशन के लिए बोला था कि एड्रेस वेरीफिकेशन करना पड़ेगा आपको, तो उसमें मैंने अपना मतलब जो भी पैन कार्ड वगैरह लगता है, तो एड्रेस वेरीफिकेशन के लिए की पोस्ट आना था, बाय पोस्ट आना था, एड्रेस पिन आता है एक 6 डिजिट 4 या 6 डिजिट पिन आता था, वो आना था, लेकिन वो आया ही नहीं। 4 सितंबर को मैंने किया था और एक महीना उस, वो बोलता है कि 3 to 4 weeks लेता है, यानी 28 दिन, तो 28 दिन में आना चाहिए था लेकिन नहीं आया वो। उसके बाद मैंने अभी फिर से देखो एक और स्क्रीनशॉट दिखेगा, ये 30 सितंबर को मैंने वो किया था, दोबारा अप्लाई किया है, अब देखो कब तक आता है, अभी तक नहीं आया है। खैर उसमें, और उसके लिए भी कहा है कि जब आपकी यूट्यूब में $10 पेमेंट हो जाएगी, मतलब अर्निंग हो जाएगी, तब जाके यूट्यूब वेरिफिकेशन मेल सेंड करता है। तो अभी दूसरा अटैम्प्ट है और उसमें लिखा था कि 3 अटैम्प्ट होते हैं, कोई मेरे को बताना अगर किसी को पता हो इसके बारे में, तो तीसरा अटैम्प्ट है अभी नहीं, अभी तो दूसरा अटैम्प्ट है, मतलब सेकंड टाइम मैंने वो कर दिया है, देखते हैं अब क्या होता है। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कब से कि यार ये मोनेटाइजेशन का ये फाइनल स्टेप भी हो जाता ना कंप्लीट एडसेंस वेरीफिकेशन का, तो फिर झंझट खत्म हो जाती, टेंशन रहती नहीं तो कि कब आएगा यार वो मोनेटाइजेशन का एड्रेस वेरीफिकेशन, आएगा नहीं आएगा क्या है। फिलहाल सीन कुछ ऐसा है कि ये मिर्चियाँ हैं सुबह की लाई हुई और काट रहा हूँ मैं, थोड़ा देर 1 घंटा बैठता हूँ, जितनी कटेंगी टाइमर लगा के काटूंगा, कमर दुख जाती है, सुबह की कमर वैसी दुखी। आधा पंचो का ख्याल था मुझे, एक टोकरा ही तो काटा भी, तब अरमा चाय लिया है, तब मिलवा चाय पी लें दो जरा, अच्छा डू लगनू तो जैकेट पहनी, अब हवा चलने बैठ गया सर, हवा चलने अब अपना चाय एंजॉय करेंगे। और ये देखो यहाँ पर सीन देखो तुम, इधर टोकरी है, इधर टैब में मूवी चल रही है, यहाँ मिर्ची है, ये कटरा है और ये मट्टी है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शमा शिवादाते स्वाहा सदा नमोस्ते वक्तुम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् वंदनाम् मृत्युर्मुक्षे मामता नमो देवे महादेवे शिवाय सततम् नमः नमो प्रकृति भद्राय नियता प्रंतास्मताम् सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को तोदल लाल विराजे सुत गौरी हर को ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे गणनस्थल मर्मस्तक झूले सज बिहारे जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति। फाइनली गाइस देखो 7:15, हाँ 7:15 हो चुके हैं और मिर्ची देख लो पूरे 2 1 1 डोरा भरी हूँ, 1 तसला भरी हूँ पूरी मिर्च तैयार, और मैं पूजा करके भी आ गया हूँ, तो बस अब हम मंदिर करेंगे अपना काम, चलते हैं नीचे देखो यहाँ रोटी बन रही है, रोटी पे ध्यान दीजिए, क्या है आज खाने में, दाल और लौकी सब्जी और रोटी, A few moments later. ये है टैब होने का फायदा ब्लॉग, और यहाँ पर देखिए बिल्कुल आनंद लिया जा रहा है, टीवी है पूरा भैया टीवी, रोटी फुके गया वक्त ब्लॉग देखना चक्कर हम। तो गाइस अब नाश्ता बन रहा है, खाना बन रहा है, कुछ देर में खाना खाएंगे,
तो आज के शानदार व्लॉग को हम यहीं पे रैप अप करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज का पूरा दिन हमने मिर्चियों पे ध्यान दिया है पूरा। पहले मिर्ची तोड़ के लाए, फिर मिर्ची काटी, गोभी लगाई, सब चीज़ आपने देख लिया। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक ले बाय बाय, मैं भी ब्लॉग देखता हूँ।